दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जब एक रिश्ते में, रिलेशनशिप में बेसिकली दो पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, वो सॉल्व करने तो जाते हैं लेकिन वो सॉल्व होने की जगह और ज़्यादा उलझ जाती है, या फिर वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं या कुछ इस तरह की उनकी हरकतें हो जाती हैं कि वो झगड़ा बढ़ने लगता है। इस प्रॉब्लम का मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगा एक स्टोरी के माध्यम से। तो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत शर्मा, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सके। तो दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन देने वाले थे। जब वो प्रवचन देने के लिए आए तो अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। अब रस्सी लेकर आए, अपने आसन को ग्रहण किया तो वहां पे गांठे लगाने लगे। शिष्यों के बीच में सुगबुगाहट होने लगी कि आज भगवान बुद्ध क्या करने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, ये रस्सी क्यों लाए हैं, क्योंकि आज तक तो ऐसा कुछ लेकर ही नहीं आए थे, आज कौन सी शिक्षा बताएंगे। और जैसे ही वो गांठे लगा रहे थे तो ये गांठों के बारे में भी शिष्य सोच रहे थे। कुछ देर के बाद भगवान बुद्ध बोले कि एक बात बताओ, मैं रस्सी लेकर आया था, अब मैंने इसमें गांठे लगा दी हैं, तो क्या ये रस्सी पहले जैसी है या ये बदल गई है। एक शिष्य उठा और बोला, भगवान बुद्ध, ये तो आपके देखने के नजरिए पे निर्भर करता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही रस्सी है जो आप लेकर आए थे, क्योंकि ये मूल रूप से तो वही है, लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखें, इसमें गांठे पड़ चुकी हैं, इसमें कुछ परिवर्तन आ चुका है, ये बदल चुकी है, ये हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। भगवान बुद्ध बोले, बिल्कुल सही कहा। फिर भगवान बुद्ध ने उस रस्सी को लिया और दोनों शोर से उन गांठों को खींचने लगे और शिष्यों से पूछा, क्या ऐसे ये रस्सी खुल जाएगी। एक शिष्य उठा, ऐसे तो नहीं खुलेगी, बिल्कुल नहीं खुलेगी, कितना भी जोर लगा लीजिए। ठीक, भगवान बुद्ध ने पूछा, फिर पूछा, अब मेरा आखिरी सवाल है, ये बताओ, ये जो रस्सी में गांठ लगी हुई हैं, ये गांठें कैसे खुलेंगी, इनको कैसे सुलझाया जाएगा। तो वही शिष्य बोला कि भगवान, हमें गांठों पर ध्यान देना होगा, किस तरह से वो उलझी हुई हैं, किस तरह से वो बंधी हुई हैं, किस तरह से वो आपस में मिली हुई हैं, उन गांठों पर जब हम ध्यान केंद्रित करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये गांठें खुल कैसे सकती हैं। इसी तरह से एक रिश्ते में होता है, रिलेशनशिप में होता है दोस्तों। अगर कभी भी कोई समस्या आ गई है, परेशानी आ गई है, तो आप दोनों को बैठकर चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, डिस्कशन मोड में नहीं आएंगे, सुनने के मोड में नहीं आएंगे, तब तक आपका रिश्ता सुधरने वाला नहीं है। अगर आप सच में चाहते हो अपने रिश्ते को बचाना, अगर आप सच में चाहते हो किसी के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना, तो दोस्तों, हमेशा कभी भी झगड़ा हो, कभी भी प्रॉब्लम हो, तो उसके मूल तह पर जाओ कि हमने उसमें करा क्या है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा फोकस उस पर करो, राइट। जब आप ध्यान से देखोगे, क्या किसी तीसरे के कारण है, क्या आप बिजी रह रहे हैं, बिहेवियर में बदलाव है, कोई भी रीज़न जो है निकल के आता है, तो उसको सॉल्व तभी कर सकते हो जब बीमारी पकड़ में आएगी। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो कि रिश्ते के बुनियादी जो है, बुनियाद जो है, रिश्ता किसी का भी क्यों ना हो, कितना भी पुराना क्यों ना हो, बुनियादी रूप से सब रिश्ते बराबर ही होते हैं। तो इसलिए बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जब भी कोई झगड़ा हो जाता है, जब भी कोई गड़बड़ हो जाती है, बस फोकस करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी 1-to-1 कंसल्टेशन करूं आपके रिश्ते के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, तो हमारा नंबर है 8860997155। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, हमारी टीम डेट और टाइम आपको दे देगी, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पर आपको गाइड कर सकता हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों, खुश रहो, अच्छे से रहो, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है। शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये ज्ञान किताबों में नहीं मिलता। प्यार भरा राधे राधे।